हेलो गाइस, आई एम विनु शर्मा। जैसा कि हमें पता था कि 29 जनवरी के बाद में एसटीएफ मैटर की जो अगली नेक्स्ट ईयर थी वो 3 फरवरी को थी। हमें पता है जिस तरीके से कि पहले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, लैब असिस्टेंट और वोमेन सुपरवाइजर के अंदर भी आंगनबाड़ी, इन तीनों भर्तियों पर एसटीएफ मैटर था। लैब असिस्टेंट जिसमें से क्लियर हो चुका था, उसमें जो पूजा गोदारा ने जो अपनी रिट लगाई थी उसके अकॉर्डिंग कि भाई एसटीएफ मैटर क्लियर होने के बाद ही अच्छे से जांच करके इस पे आप फाइनल नियुक्ति दें, ये अपनी रिट तरीके रिट लगाई थी अपनी पूजा गोदारा ने, तो उस पे एक स्टे था। अब हमें पता है कि जैसे कि आज हियरिंग थी और आज इसका यदि हियरिंग होती तो फाइनल सॉल्यूशन देना पड़ता। ये कोर्ट ने फाउंडेशन डाल दी थी इसमें कि आज यदि हियरिंग होती तो इसमें फाइनल सॉल्यूशन देना पड़ता। तो जिस जैसा आपने पता है कि जो एंटी पार्टी के जो वकील सर हैं उन्होंने एक रिप्लाई पेश किया है आज और एक एफिडेविट लगाया, तो वो दोनों कोर्ट ने एक्सेप्ट किए कि भाई इस पे इनको आप एक बार चेक करो और देखो, और वो अपने जो एडवोकेट सर हैं बोर्ड के उनके पास में वो भी नहीं पहुंचा है कि वो था क्या एक्चुअल में, तो उसको देख के, क्योंकि आज हियरिंग होती तो फाइनल सॉल्यूशन देना पड़ता और वो आज नहीं दे पाए, क्योंकि आज हियरिंग करते तो वो कैसे देख पाते कि रिप्लाई क्या पेश हुआ, एफिडेविट क्या लगा। हालांकि वो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इट्स एंडिंग पॉइंट ऑफ केस। अब आपको सबको पता है कि हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग चाहिए यार। जैसा हमें बताया गया है कि एडवोकेट सर ने बोला है कि आज जज ने जो जजमेंट दिया है कि 7 डेज के अंदर आपकी हियरिंग कभी भी हो सकती है, तो इन 7 डेज में अपन को पता लग जाएगा कि अपनी कब हियरिंग है और कब अपना फाइनल सॉल्यूशन निकल रहा है, और 7 डेज के अंदर जब भी इसकी हियरिंग होगी इसका फाइनल सॉल्यूशन देना पड़ेगा। ये कोर्ट ने एक तरीके से अपनी तरफ से फाउंडेशन डाल दिया इस केस में। ये अपने लिए बेटर है कि फाउंडेशन टाइप हो चुका है। 95% 29 जनवरी को ये केस सॉल्व हो चुका था। अब दोस्तों आपको पता है कि यार हमें आज पूरा पता लग गया है कि मैटर क्या है एक्चुअल में। 18 कैंडिडेट्स जो तीनों भर्तियों के हैं, उन 18 कैंडिडेट्स का ये बायोडाटा बोर्ड कोर्ट में दे चुका है और वो एडवोकेट सर ने वहां पे पेश कर दिया है और वो 29 जनवरी को ही पेश कर दिए थे। अब 18 कैंडिडेट्स की वजह से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले कितने स्टूडेंट हैं, वुमेन सुपरवाइजर वाले और लैब असिस्टेंट वाले, इतने स्टूडेंट परेशान हैं कि गलत है या सही है। आपको सबको पता है कि गलत है या सही है। इसके दो रास्ते निकल के आते हैं जैसा हमें बताया गया आज कि इसके सेफ रास्ते हैं दो, आप ऐसा करो तो आपको ज्वाइनिंग जल्दी से मिल जाएगी। ये दोनों रास्ते बहुत बेटर हैं और भरोसा करो कि ये दोनों रास्ते बहुत बेटर हैं। अब ये दोनों रास्तों पे आपको कमेंट करके बताना है कि आप इसके लिए रेडी हो या नहीं हो। आप तो एक तरीके से पूरी तरीके से प्रॉपर वे में आना कि आपको पता लगे कि आपके ग्रुप्स वगैरह में मैं आपके जो एग्रीकल्चर वाला है उससे भी जुड़ा हुआ हूँ, लैब असिस्टेंट वाला उससे भी जुड़ा हुआ हूँ, वुमेन सुपरवाइजर से मैं नहीं जुड़ा हुआ। हालांकि वीडियोस देखे तो आप अपना सपोर्ट करके बताना कि भाई ये आप इसमें रेडी हो या नहीं हो। इन 18 कैंडिडेट्स की वजह से अपनी फाइनल नियुक्ति रुकी पड़ी है लैब असिस्टेंट वालों की। एग्रीकल्चर वाले हैं उनके भी प्रॉब्लम आ रही है, वुमेन सुपरवाइजर है उनके कितनी सी पोस्ट हैं लेकिन उनका भी फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं दिया है। क्या हम ऐसे ही परेशान होते रहें 18 कैंडिडेट्स की वजह से? तो दोस्तों आगे निकल गया हो जिससे अपने जल्द सॉल्यूशन निकले। अपन इस वीडियो पे भी बता सकते हैं कि अपन के वो दो रास्ते क्या हैं, लेकिन इस चीज का लोग गलत फायदा उठाएंगे। और उस रेस्पॉन्सिबल पर्सन के बारे में भी बता सकता हूँ कि यार उसने मेरे को बताया और वो एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बहुत बढ़िया है, लेकिन अपन को बताया कि यार किसी ने भरोसा करके अपन को कोई चीज बताई जिससे अपनी वार्ता हुई, वो आपको मैं बताऊं तो उनके पास ही वो जाती है। नेक्स्ट टाइम वो मेरे से बात करने से पहले 10 बार सोचेंगे। और किसी के भरोसे को कायम रखना चाहिए, तोड़ा नहीं जाना चाहिए, ये आपको सबको पता है। वीडियोस पे मैं अपनी कॉल रिकॉर्डिंग्स जहाँ जहाँ मैं बात करता हूँ और वीडियोस के अंदर मैं अपनी फोटोज जो मैं उनके साथ में लेता हूँ वो भी शेयर कर सकता हूँ। लेकिन अपन को फेमस थोड़ी होना है दोस्तों, अपन को अपनी भर्ती पूरी करवानी है,
ये एक जरिया है मेरा वीडियो डाल के आपको ये बताने का कि क्या चल रहा था और क्या करना है। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो अपना कुछ भी नहीं होना। लेट पे लेट, डेट पे डेट, ये आप जानते हो कोर्ट का यही होता है कि डेट पे डेट। अपन सेलेक्ट हुए हैं, मेहनत से हुए हैं, आपको पता है सबको। उस तरीके से आप अपना, आपको अपने आप पे भरोसा है यार कि हाँ मैंने एग्जाम फाइट किया, तो आपको ज्वाइनिंग चाहिए या नहीं चाहिए। तो आपको ज्वाइनिंग चाहिए तो उन दो रास्तों में से आप चूज करना। मैं आपको सामने दोनों रास्ते रख दूंगा, वो दोनों रास्ते बेटर हैं। और ये है कि भरोसा ये है कि वो पूरी तरीके से फिट होंगे और जल्द से जल्द आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ये तो रही तीनों भर्तियों के एसटीए मैटर की बात। लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन मैटर जिसपे आज हियरिंग हुई थी, और उस हियरिंग में 3 मिनट के अप्रोक्स केस चला था, एडवोकेट भी चेंज किया गया है, और इसका जो है अभी तक फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकला। ये आपको मैं बता देता हूँ, बाकी अपने पर्सनल ग्रुप्स में और बता दूंगा। हालांकि कुछ भी नहीं होना, ये आपको पता है कि कुछ भी नहीं होना। जो जो भी जिन भी क्वेश्चनों पे, जो दो जुकी के क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ वीडियो में यार, क्योंकि मैं नहीं बताता, मैं कुछ भरोसेमंद लोगों को बता देता हूँ, वो अपनी वीडियो यूट्यूब पे डाल देते हैं, बना देते हैं। हालांकि मेरी ये वीडियो भी कुछ चैनल पे चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो होता ही है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वो दो जीके के क्वेश्चन है, हवा महल वाला और एक वो धौलपुर संभाग वाला, उत्तर प्रदेश में विलय वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो वाला क्वेश्चन है, दोनों जीके के क्वेश्चन है। हालांकि दो साइंस के क्वेश्चनों पे भी लगी हुई थी, लेकिन उनको बोर्ड ने रिट लगने के बाद में ही डिलीट कर दिया था। जो डिलीट हो चुका है उस पर तो कोई मुद्दा है ही नहीं है, ये तो बिल्कुल एकदम क्लियर है। दो जीके के क्वेश्चन है जिनको बोर्ड ने अपनी एक्सपर्ट टीम ने वो पेश किया है, जो भी अच्छा पेश किया है, बेटर पेश किया है, और कोर्ट ने उनको सुना है। हालांकि कोर्ट ने 5 क्वेश्चनों पर रिट लगाई थी जीके में, उन 5 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चनों को एक्सेप्ट किया था इन जीके वालों को, हवा महल वाला और ये उत्तर प्रदेश वाला। तो इन दोनों क्वेश्चनों पे विचार अपना कोर्ट कर रहा है, रिप्लाई बेस हो रहे हैं, और जहां तक एक बेटर सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, आप चिंता ना करें। एक तरीके से ये तो एक छोटा मैटर है, ये तो हो जाएगा। तो इस पे तो और क्या बोलना, क्योंकि बेकार है बोलना। आप समझ रहे होंगे, जो समझता है वो आपको सब पता है कि यार इस पे कुछ भी नहीं होने वाला। जो डिलीट हो चुके हैं वो डिलीट हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन हैं जिन पे ऑब्जेक्शन पहले लगे थे, और ऑब्जेक्शन के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट टीम ने उनमें कोई करेक्शन नहीं किया है। या आपको पता होगा कि भाई ऐसा कुछ होता तो एक्सपर्ट टीम अपना रिप्लाई अच्छे से पेश करती उसी टाइम पे। एक स्टूडेंट ऑब्जेक्शन लगाता है, फीस भर के, एक फॉर्म भर के, और पर्सनल एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाता है, तो उस पे विचार करती है बोर्ड की टीम, जो एक्सपर्ट टीम जो होती है बोर्ड की, वो विचार करती है। उन पे विचार कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है उन पे। और एसटीए मैटर की जो बात है वो मैंने आपको टोटल बता दी है। बीकानेर बोर्ड में एकदम काम अपना रेडी है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं लैब असिस्टेंट वालों के, वो एकदम उनकी स्क्रूटनी अच्छे अच्छे हो चुकी है, काम अपना एकदम एंड पॉइंट पे है। लेकिन दोस्तों आपको साथ देना पड़ेगा, आप कमेंट बॉक्स में एक बार ढंग से मेरे को सपोर्ट करें कि यार कि अपन करें या ना करें। मैं आपको पर्सनल ग्रुप्स में बता दूंगा, ये दो काम है अपने, प्लीज़ ज़्यादा मतलब इस चीज़ को ओपन ना करें। बस मेरा तो एक जरिया था आपको एक बताने का वीडियो के माध्यम से। अपन को यार जल्द से जल्द ज्वाइनिंग चाहिए, अपन बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं। अब अपन कोर्ट मैटर्स और सरकार के चक्रों में आके अपन अपनी ज्वाइनिंग लेट नहीं करवा सकते, क्योंकि आपको पता है कि यार अब छुट्टियां लगेंगी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और वो छुट्टियां लगने के बाद में जून जुलाई में अपन को ज्वाइनिंग मिलेगी। अपन को ज्वाइनिंग चाहिए जल्दी, तो इसलिए दोस्तों सभी साथ दो। अगर साथ दोगे तो काम जल्दी होगा, अगर साथ नहीं दोगे तो मैं भी इस रेस से दूर हो जाऊंगा। जैसा आपको पता है कि यार यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो आपको साथ तो देना पड़ेगा यार भाई। अब सबसे यही कहना है कि यार अब अपना विचार रखना है इस पे कि आप साथ दे रहे हो नहीं दे रहे हो, आप साथ में हो या नहीं हो। बेटर तो बात ये है कि यार अपन जितना जल्दी करेंगे उतना अपन को जल्दी फायदा मिलेगा,
और मैं आपको आज नाइट को ही अपने ग्रुप्स वगैरह में सब में बता दूंगा कि अपन को करना क्या है। बाकी वीडियोस वगैरह का मुझे शौक नहीं है ज्यादा, मैं बनाऊंगा नहीं ज्यादा, मैं बनाता नहीं, बस ये है कि मैं पर्सनल चैट कर लेता हूँ। ये एक लोगों की जो डिमांड थी कि अलेव असिस्टेंट वाले के आप वीडियो के माध्यम से अपनी जो आज की जो भी था वो आप मेरे को बता देना, तो उस अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। तो बाकी दोस्तों सब साथ देना, मैं आपके लिए हरदम खड़ा हूँ, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो मेरा फेवरेट है, मेरा, मेरी फैमिली का, सबका, तो उस अकॉर्डिंग मैं काम करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है और मैं इसमें सुधार के लिए हरदम प्रयास करूँगा जिंदगी में। जब भी मेरे को मौका लगेगा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं सुधार चाहूँगा, और सुधार में इसमें ग्रेड भी इंक्रीमेंट करवाना जो भी है मेरा जितना भी अपने से रहेगा वो मैं पूरा प्रयास करूँगा, और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी सुधार रहेगा वो हमारे अच्छे दोस्तों की टीम बनेगी, उसमें हम सुधार करेंगे इसमें, और जिस भी भाई को प्रॉब्लम्स होगी पर्सनल हम उसमें कोऑपरेट करेंगे कि भाई क्या सॉल्यूशन निकल के बढ़िया आ सकता है। डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट एक अच्छा सा अपना दोस्त रखेंगे उस टीम में और बेटर काम करेंगे दोस्तों। बाकी आपके सपोर्ट की जरूरत है, थैंक यू।